राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच बता दें कि कांग्रेस पार्टी गोवा में लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। इससे पहले राहुल गांधी गोवा भी गए थे और यहां पर मछुआरों से मुलाकात भी करते हुए नजर आए थे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं गोवा में। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसके लिए सभी जगहों पर एक तरह की रणनीति ही तैयार की जा रही है। बता दें कि अब गोवा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि कई राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये भी काफी अहम है। बता दें 14 फरवरी को मतदान होने हैं गोवा में और 10 मार्च को मतगणना होंगे। उसके बाद ये चीजें साफ हो सकेंगी कि गोवा में किसकी सरकार बनी है। वहीं गोवा में लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी सक्रियता भी बढ़ा रही है। हालांकि हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें गठबंधन को लेकर बातचीत हुई है। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन अब सोनिया गांधी गठबंधन के मूड में नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से काम किए जा रहे हैं। गोवा में कई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गए हैं और ये अब फिर से लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अब कई नेता सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बता दें कि पहली बार कई ऐसे नेता हैं जिसे टिकट दी गई है और कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट काटा भी गया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।